नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक लेटर की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट PMMVY सेक्शन से निकला है। तो ये जो लेटर था ये 23/11/2023 दैट मीन्स 23 नवंबर को ही निकला है। तो जे किन किन को गया है, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज इम्प्लीमेंटिंग PMMVY स्कीम। तो इसमें जो अलग अलग यूटीज और स्टेट्स दी गई हुई हैं, तो इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये सभी स्टेट्स को के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनको जो लेटर गया है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है कंडक्टिंग PMMVY स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव पंजीकरण अभियान ऑन 30th November 2023 एंड 1st December 2023। मतलब ये हुआ कि ये किसके रिलेटेड लेटर है कि जो PMMVY के लिए स्पेशल जो रजिस्ट्रेशन ड्राइव है, जो पंजीकरण अभियान है वो शुरू हो रहा है। और ये जो अभियान है ये 2 दिन चलेगा, 30 नवंबर 2023 को और 1 दिसंबर 2023 को। तो इसमें जे है, मैडम ऑब्लिक सर, आफ्टर डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ PMMVY बेनिफिशरीज अक्रॉस स्टेट ऑब्लिक यूटी, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट आ PMMVY स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव पंजीकरण अभियान ऑन 30th नवंबर 2023 एंड 1st दिसंबर 2023। इसमें ये बताया गया है कि जो PMMVY स्कीम है, जब मिनिस्ट्री ने इसको रिव्यू किया तो ये डिसाइड किया गया कि एक स्पेशल जो रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाई जाए, जिसको पंजीकरण अभियान बोलते हैं, वो चलाया जाए। ये कब होगा, ये 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2023 को होगा। तो इसमें जो है कि टारगेट फॉर रजिस्ट्रेशन वर सेट ड्यूरिंग द PAB एंड द मिनट्स हैव बीन कम्युनिकेटेड, हाउएवर इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड दैट द टारगेट्स आर ओनली इंडिकेटिव एंड मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आर इनकरेज्ड अक्रॉस स्टेट्स ऑब्लिक यूटी एंड अचीव सैचुरेशन। इसमें बताया गया है कि जे मिनिस्ट्री के द्वारा जो टारगेट सेट हुए हैं, इसमें जो हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके लिए टारगेट दिए गए हैं, जिसमें हर एक स्टेट के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए टारगेट दिए गए हैं और उनको अचीव करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो टारगेट्स हैं ये इंडिकेटिव, जो इंडक्टिव इन नेचर हैं, मतलब कि जो है कि मेन पर्पस ये है कि सैचुरेशन पॉइंट, मतलब 100% जो बेनिफिशरीज हैं, जो पहला बच्चा है उसके केस में, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो रजिस्ट्रेशन करनी है, उसको ऑनलाइन करना है PMMVY पोर्टल में। और जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है उसको भी ऑनलाइन करना है, और जितने भी हैं कोई पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। ये पर्पस जो है वो पंजीकरण अभियान का है। सैचुरेशन होता है कि 100% तक पहुंचना है कि जितने भी हमारे बेनिफिशरीज हैं वो सभी हमने कवर करने हैं। द स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट द इंडिकेटिव टारगेट सेट ड्यूरिंग PAB इज अटैच्ड एज एनेक्सर 1। इसमें जो स्टेटस है वो भी अटैच किया गया है। तो इन दिस रिगार्ड एन ऑनलाइन मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन 29th November 2023 ऑन 11 AM अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग एक जो मीटिंग है वो रखी गई है। वो कब रखी गई है, वो 29 नवंबर 2023 को 11 बजे मीटिंग होगी, और इसकी जो चेयरमैन होंगे वो जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो इसको चेयर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स ऑब्लिक ड्यूटी आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट विद द PMMVY टीम ऑन 29th नवंबर 2023
23 फॉर द सेम। तो ये बताया गया है कि जितने भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड हैं, उनको ये मीटिंग अटेंड करनी है। उनके साथ जो PMMEY की टीम है वो भी होनी चाहिए। तो जहाँ पे जो थर्ड दिया गया है वो है कि स्टेट ओब्लिक यूटीज आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर द फॉलोइंग प्रिपरेटरी एक्टिविटीज प्रायर टू VC शेड्यूल्ड ऑन 29th November। इसमें जो प्रिपरेटरी एक्टिविटीज बताई गई हैं इसमें जो है कि जो मैक्सिमम जो 100% जो है मैपिंग हो जानी चाहिए आंगनवाड़ी सेंटर्स की, और उसमें जो IDs हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की या आशा वर्कर की वो उनको सर्कुलेट हो जानी चाहिए। तो थर्ड पे है कि जो 100% लॉगिन ID जो है हर एक लेवल पे जो सर्कुलेट हो जानी चाहिए। और उसके बाद जहाँ लिख रहे हैं कि इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट मैनी आंगनवाड़ी ऑब्लिक आशा हैव नॉट येट डन एनी रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज द स्टेट वाइज लिस्ट हैज़ बीन अटैच्ड एज एनेक्सर 3। इसमें बताया गया है कि कुछ एक वर्कर्स ने आंगनवाड़ी वर्कर्स ने और आशा वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसी हैं जिन्होंने जो है अभी तक एक भी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं किया है। तो उनके लिए भी है कि वो ज़रूर जो है फॉर्म देखें, अगर उनके एरिया में कोई केस है तो वो ले आएँ। तो DM/DC ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल डाउनलाइन स्टाफ DPO/CDPO MO सुपरवाइजर ANM आंगनवाड़ी वर्कर आशा वर्कर हैज़ टू बी सेंसिटाइज्ड अबाउट द अभियान एंड 100% पार्टिसिपेशन हैज़ टू बी एंश्योर्ड। इसमें जो है ये जो DM है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर हैं डिप्टी कमिश्नर जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं CDPOs हैं मेडिकल ऑफिसर्स हैं सुपरवाइजर्स हैं ANM हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं आशा वर्कर्स हैं, ये बताया गया कि सबको सेंसिटाइज करना है और सबको बताना है थ्रू आउट इंडिया में ये चलेगा, सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं चलेगा, ये पूरे इंडिया में चलेगा, ताकि कोई भी जो डिजर्विंग जो PMMEY वाली प्रेगनेंट लेडी है जो लैक्टेटिंग मदर है वो रहनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद है DM/DC आर टू बी इन्फॉर्म्ड टू एंश्योर कांस्टेंट सुपरविज़न। इसमें जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको कहा गया है कि ये कांस्टेंट सुपरविज़न रखें, और जो DPO टू एंश्योर द मोनिटरिंग ऑफ द अभियान, ये जो मोनिटरिंग है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी, DC साहब भी करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो भी मोनिटर करेंगे इस पूरे को। तो उसके बाद ए डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट मस्ट बी जनरेटेड रिगार्डिंग डे वाइज रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द अभियान द स्टेट ऑब्लिक UT वाइज रिपोर्ट हैज़ टू बी शेयर्ड विद मिनिस्ट्री। तो ये जो रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री के साथ शेयर होनी है, ये जो रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास जाएगी। इसीलिए जो सभी जो फील्ड स्टाफ्स हैं चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं चाहे सुपरवाइजर्स हैं चाहे वर्दी CDPOs हैं DPOs हैं, तो एटलीस्ट जो मेन काम है वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स का ही है। तो ये इंश्योर करें अभी से ही आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करें कि जो दो दिन बीच में है हमारे पास जो 28 और 29, तो दो दिन में जितने भी फॉर्म्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो PMMEY के वो कलेक्ट कर लें अपने एरिया में, और 30 तारीख और 1 तारीख को उन फॉर्म्स को क्या करना है उन्होंने ऑनलाइन करनी है सब ऑनलाइन मोड में, और हमने आगे जो हमें टारगेट दिए गए हैं उन टारगेट को अचीव भी करना है। ये देखा गया है कि टारगेट्स जो सेट किए गए हैं उसको अभी तक जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने अचीव नहीं किया है, तो इसलिए इसमें हमने सेंसिटिव होके इस जो मैटर हैं ये जो हमें असाइनमेंट दी गई है इसको हमने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, ये एक अभियान है इसको हमने बढ़ चढ़ कर जो पार्टिसिपेट करना है। तो इसमें ये भी दिया गया है कि हर एक जो स्टेट्स हैं उनके लिए टारगेट क्या हैं और कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उसमें आगे परसेंटेज भी दिया गया है अलग अलग स्टेट्स का। तो उसके बाद जो मैपिंग ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर की जो मैपिंग हुई है उसका भी दिया गया है। तो कहने का ये मतलब है कि नटशल में अगर हम बात करें तो 30 नवंबर और 1 दिसंबर में जो PMMEY जो रजिस्ट्रेशन ड्राइव है जो पंजीकरण अभियान है इसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं पर्टिकुलरली जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जो सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ताकि जो मैक्सिमम एरिया में जो भी
डिपेंडेंसी रहती है वो सब क्लियर होनी चाहिए, सब जो बेनिफिशरीज हैं वो ऑनलाइन मोड से वो रजिस्टर होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।